जाती हूँ उधर। अरे बताया क्यों नहीं, हम ये सियापा करते ही नहीं ना। जाती हूँ उधर से, चाले के जाओ प्लीज। चाले के जाओ, तुम बात में देती हूँ। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड न्यूज के शुरुआती 8 दिनों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि ये फिल्म क्या बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई या फिर हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बैड न्यूज जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अनंत तिवारी ने और इस फिल्म के लीड कास्ट में विक्की कौशल, तृप्ति दिमरी और एमी विर्क देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म को 70 से 80 करोड़ के बजट में बनाया गया है और आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस रिलीज हुए हो चुका है 8 दिन। इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 8,62,00,000 का इंडिया नेट कलेक्शन किया। वहीं पर इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक पर इंडिया से नेट कलेक्शन किया 44,77,00,000 का। वहीं पर आज जिस तरीके का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म को मिला है उसे देखकर लगता है कि बैड न्यूज फिल्म अपने 8वें दिन पर इंडिया से नेट कलेक्शन कर सकता है 2,10,00,000 का। और अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म का इंडिया से नेट कलेक्शन हो जाएगा 8 दिनों में 46,80,00,000 का। वहीं पर इंडिया क्रॉस कलेक्शन 55,68,00,000 का। वहीं पर इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन हो जाएगा 82,19,00,000 का। आज से इस फिल्म की स्क्रीन काउंट और शो कम हो चुके हैं क्योंकि दोस्तों आज वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल फिल्म रिलीज हुई है प्लस रायन एक पैन इंडिया फिल्म रिलीज हुई है। इस वजह से इस फिल्म के जो स्क्रीन काउंट और शो हैं वो अब कम हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है उसे देख कर लगता है कि ये फिल्म एंड में एक हिट का टैग ले ही लगी। वैसे दोस्तों क्या आपने बैड न्यूज फिल्म को देखा है? और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये देखता है हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।